Hey guys, welcome to Nima's Panchala. Happy Independence Day to all the Indians. And my today's video Independence Day special is just where I will check your general knowledge India ke upar check karungi aur saath hi saath hum yummy mouth watering se Hindustani bhasha bhi seekh lenge. Please mujhe kuch questions pop up honge, aapko unke answers dena hai comment section mein aur top 2 winners mere next video mein main aapko bataungi. To comment section mein comment karna mat bhulna, saath mein subscribe ka button bhi daba dijiye. Itni sari cheeze mil rahi hai to aur is video ke khatam hone ke baad mera part 2 video bhi dekhi. तो इसके लिए आपको पहले से ही कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी. आप यहाँ पर 3 बाउल्स ले लीजिए, 3 स्पून्स एंड एक कंटेनर. उसमें आप बटर पेपर से अच्छे से इसे रैप कर लीजिए उसके शेप का. इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको चाहिए 3 टेबल स्पून ऑफ घी, देन आपको चाहिए 100 ग्राम ऑफ शुगर, 200 ml ऑफ मिल्क, 200 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर. और आपको कलर के लिए या फिर ऑरेंज कलर के लिए आप केसर को पानी में भिगा सकते हैं, आई मीन भिगाना है. और आप डालने के टाइम पे ऐसे कूट कर भी डाल सकते हैं या तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं. और ग्रीन कलर के लिए हमने जो यूज किया है वो है पिस्ताशियोज. आप उन्हें बॉईल कर लीजिए 5 मिनट्स और फिर आप उन्हें ग्राइंड कर लीजिए और उसका इस तरह ऐसा थिक पेस्ट बना लीजिए. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा, सुंदर. तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हमारी प्योर 3 टेबल स्पून ऑफ घी. और हमें इसे डालते वक्त कोल्ड पैन पर हमें कुक करना है, यानी हमें गैस को बिल्कुल ऑन नहीं करना है. ये देखिए हमने ये डाल दिया और अब हम डालेंगे हमारा मिल्क. हमें डालना है 200 ml. ये देखिए हम इसमें डाल लेंगे इस तरह से मिल्क. एंड आफ्टर हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा इसे मिक्स कर लीजिए. इसे मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे हमारा 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर. मिल्क पाउडर आपके डिश को बहुत ही अच्छा वाला फ्लेवर देगा और मुझे पर्सनली मिल्क पाउडर बहुत ही ज्यादा पसंद है. ये देखिए अब हम इन तीनों इंग्रीडियंट्स को मिक्स करेंगे. अच्छे से मिक्स कीजिए बहुत अच्छे से. इसे हमें मिक्स करना है विदाउट गैस को ऑन किए, फटाफट लम्स ना आए. ये देखिए मैंने यहाँ गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर दिया है और अब हम इसे विस्क चलाते रहेंगे तब तक ये शीरा जैसा एक लंप न बन जाए. हम इसे मिक्स करते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे. ये थिक हो रहा है हमारा बैटर जो फर्स्ट है वो तैयार हो रहा है. अच्छे से आप इसे चलाते रहें. ये देखिए आप गैस को थोड़ा फास्ट रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा. और ये देखिए ये हमारा एक अच्छा वाला लंप बन चुका है और अब है हमारा टाइम हम हमारे शुगर को ऐड कर लेते हैं. चलिए ये जो ये शुगर ली थी इसे भी डाल देंगे यहाँ. ये देखिए हमने डाल दिया हमारी शुगर. अब हम इसे फिर से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे. अच्छे से करते रहे फास्ट फास्ट कप करें और साइड का भी जितना लगा है हमें उसे वेस्ट नहीं करना. हम उसे अंदर लेते रहेंगे और हिला देंगे. शुगर डालने से ये फिर से हो गया है हमारा लिक्विड ही, बट नो वरीज हमें इसे फिर से हिलाते रहना है जब तक ये वापस लम्ब ना बन जाए. चलिए फास्ट हम इसे हिलाते हैं और आप भी मुझे ट्राई करके बताना आपका कैसा बना. तो हिलाते हिलाते एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन है कि आप हमारे जो फ्लैग में अशोक का चक्र होता है ब्लू व्हील वो क्या डिपेंड करता है, उसका मतलब क्या होता है. ये हमें कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताएं. ये देखिए हमारा ये लंप बन चुका है, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है. ये देखिए इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, लगता है बहुत ही यम्मी डिश है. ये देखिए इसने साइड्स छोड़ दिए हैं और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडे होने के बाद हम इसे बाउल में डाल देंगे. ये देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है और हमने यहाँ पर इक्वल अमाउंट में, हो सके तो आप इक्वल अमाउंट में ही ये तीनों बाउल में सेपरेट करें. तो सबसे पहला जो ये हमारा बाउल है उसमें हम डालेंगे हमारा ग्रीन पिस्ताशियो का पेस्ट. चलिए हमने इसे ले लिया. यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मैंने इतना डाल दिया है. और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये हमारा जो पिस्ताशियो का ग्रीन पेस्ट है वो अच्छे से इसमें मिल जाए. ये देखिए अच्छे से आप मिक्स करते जाएं. तो ये देखिए हमारा ये ग्रीन बन चुका है, बहुत ही सुंदर कलर और बहुत ही यमी. तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कलर की वो जो है व्हाइट. तो व्हाइट में मैंने यहाँ पर मास बनाना लिए हैं.
आप चाहें तो ग्रेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, या तो आप यहाँ इस हमने जो बनाया है इसमें कुछ ना ऐड करें और नॉर्मल रखें तो भी बहुत ही यमी लगेगा। तो चलिए अब हमारे मास बनानास और हमारे मिक्सचर को भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमारी ग्रीन और व्हाइट रेडी है, और चलिए अब हम हमारा सैफ्रन कलर का मिक्सचर रेडी करते हैं। आप ऑरेंज कलर का भी मिक्सचर कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो केसर को भिगा कर रखा था हम उसे यहाँ ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाला है ये देखिए, ताकि अच्छा वाला एक ऑरेंज का कलर आए इसमें। हम इसे मिक्स करें, ये देखिए मिक्स करते हैं हम। तो चलिए जब तक हम इस ऑरेंज को मिक्स कर रहे हैं तब तक मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हमें हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए कितने साल हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए अब हम ये तीनों कलर को सेट कर देते हैं। हमारी टेन यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। सबसे पहले हम हमारी पिस्ताशियों की जो ग्रीन कलर की जो लेयर थी वो निकालेंगे और यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे इस तरह। ये देखिए आप पहले बटर पेपर के नीचे आप घी लगा लें ताकि आपका बटर पेपर स्टिल रह सके, हिले ना, ये आपको आसान करेगा आपका बैटर फैलाने। तो अब हम हमारा जो व्हाइट है उसे भी लगा लेते हैं। पहले हम हमारी सारी मिक्सचर को ले लेंगे। लेने के बाद हम करेंगे इसे अच्छे से स्प्रेड। ये देखिए इस तरह अब हल्का हल्का इसे स्प्रेड कीजिए व्हाइट को, ताकि हमारा ग्रीन और व्हाइट एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो चलिए अब हम हमारा फाइनल लेयर लगाते हैं जो है ऑरेंज का हमारा केसर बर्फी। ये देखिए हमारे थोड़ा थोड़ा हम पार्ट ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से हमारा ये ऑरेंज कलर भी हो गया। मैंने इसे थोड़ा सा टैप किया ताकि व्हाइट और ऑरेंज मिक्स ना हो, और हमारा ये जो ऑरेंज कलर है बहुत ही नेचुरल और यमी है, केसर का बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। लिड लगाने के बाद तो अब हम इसे 30 मिनट्स के लिए आप फ्रीजर में रख सकते हैं या आप 1 आवर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए हमारी बर्फी फ्रीज हो रही है तब तक कि मैं सवाल पूछ लिया है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कितने सालों तक कब्जा कर रखा था, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। तो आफ्टर 30 मिनट्स हमारी ट्राई कलर बर्फी रेडी है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रही है। यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन के बीच में व्हाइट मिक्स हो चुका है इसलिए नहीं दिख रहा, पर फ्लेवर अच्छा आएगा। चलिए अब हमारी केक कटिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाओ ये बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रहा है चेरी जैसा, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये। चलिए अब हमारी सुंदर सी माउथ वाटरिंग बर्फी को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो आपके पास जो मोल्ड हो वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर हार्ट शेप वाला और ये टुलिप फ्लावर वाला मोल्ड यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम टुलिप फ्लावर निकालेंगे और ये किया हमने इसे प्रेस। ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों शेप्स निकाल लिया है, ये टुलिप और हार्ट। तो अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे। एक दूसरे से तो बहुत ही अलग है, बट लेकिन एक साथ जब मिलते हैं तो बहुत ही टेस्टी।
अच्छी लगता है जैसे हमारे इंडिया के कल्चर्स और ट्रेडिशंस। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता ही है और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ, जल्दी से इस वीडियो को मैं एंड कर दूं ताकि मैं ये डिलीशियस वाली माउथ वाटरिंग सी हिंदुस्तानी बर्फ